सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर जीएस पेपर टू और यू कैन से दैट सीसेट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा है माइक्रो लेक्चर नंबर 11, यानी जैसे माइक्रो कोर्सेज इफेक्टिव, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, वैसे ही माइक्रो लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर का शानदार क्वेश्चन जो हमें बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में हमारे पास आ रहे हैं, और उससे हमें क्या पता चलेगा, चेंज ऑफ ट्रेंड। बेसिकली ये लेक्चर्स क्या बताएंगे आपको, चेंज ऑफ ट्रेंड की, किस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा आने की उम्मीद है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एक नंबर सिस्टम से इंटीजर्स का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जरा, देखो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्मड बाय ए बी सी विदाउट रिपीटेशन। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा यूपीएससी सीसेट 2022 से। क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी सीसेट 2022 से, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, मेरे पास लिमिटेशन है, क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स दिए, द फोर डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की मैं जो वैल्यूज को लेके जा रहा हूं, जब थ्री डिजिट की वैल्यूज को मैं लेके चल रहा हूं, उन सबको ऐड कर रहा हूं, मिनिमम क्या आ रहा है, 1332। द थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्रिपलेट। देखो ध्यान से सुनो, जब लीस्ट, देखो एक्चुअली है क्या, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास आ सकती हैं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ऐसा आ सकता है, मतलब 4, 5, 6, 8, 9, मतलब थ्री डिजिट का नंबर है, उन डिजिट्स में 1 से लेकर 9 तक कोई भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। बट द थिंग इज दैट उसने क्या बोला, लीस्ट और विदाउट रिपीटेशन की बोल रहा है। तो जब लीस्ट की बात है, तो लीस्ट वैल्यू कब आएगी स्टूडेंट्स मेरे पास, ये सोचने वाली बात है। लीस्ट कब आएगी, जब वो नंबर्स छोटे से छोटे होंगे, यानी जो मेरे पास एबीसी की वैल्यू है वो किस में वेरी करेगी, तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। क्लियर, यही हो सकते, इसको छोड़ के भी हो सकते, कोई भी नहीं हो सकती। यानी एक्चुअली मेरे पास होगा क्या, देखो एबीसी कोई वैल्यू है, सेकेंड क्या होगी एसीबी, फिर क्या होगा बीएसी, बीसीए, अच्छा सी ए बी, सी बी ए, यही वैल्यूज होंगी, इसको छोड़ के कौन सी वैल्यूज हो सकती है मेरे पास। क्लियर, अब देखो जरा, जब ए बी सी को मैं 1, 2, 3 ले रहा हूं, पहले मैं ए बी सी को 1, 2, 3 लेता हूं, 1, 2, 3, नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, 1, 3, 2, फिर क्या आएगा 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, क्या स्टूडेंट्स यही 6 वैल्यूज आएंगे मेरे पास। क्लियर, जब मैंने लीस्ट की बात की, अब देखो जरा, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3,
तो 1332 आ गया मेरे पास, तो यानी मेरी पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब देखो द थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इट, ओ सॉरी एक्स इज ट्रिपलेट। अब लीस्ट वैल्यू ही मेरे पास 1332 है, तो ग्रेटेस्ट मेरे पास कैसे ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो बेस था वो क्या था, ये लीस्ट वैल्यू। तो अगर ये समझ आ गई थी तो डेफिनेटली मेरे पास ये क्वेश्चन आराम से करने वाला था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, क्लियर। तो जैसे मेरे पास ये इफेक्टिव मैंने क्वेश्चन कराया, इसी तरीके से अगर मुझे कोई चैप्टर करना है, सपोज कीजिए आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते, आप लिमिटेड सा कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं, देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद उन क्वेश्चन के सोल्यूशन, नंबर चार पे क्या है उसके आप ये कहोगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखो मैं अगर बात करूं टाइम वेस्ट करने वाली बात कौन सी है, पिछले साल के पेपर उठाओगे उसमें से सबसे पहले देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हुए, फिर आपको क्या पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, फिर पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, फिर क्या पता चलेगा वहां से कि मेरे को उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो है मेरे पास, बट उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए मुझे, वो कहां से मिलेंगे। इस पूरी की पूरी चार के चार पॉइंट का अगर मैं बोलूं एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, माइक्रो कोर्स। अभी पीडीएफ का माइक्रो कोर्स इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस
क्वेश्चन। अब ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता वो मैं बताता हूं आपको, बेसिकली करता है या नहीं करता है तो सवाल ही नहीं है, क्लियर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, नंबर सिस्टम का पूरा और पूरे माइक्रो कोर्सेज का भी। चलिए देखते हैं जरा इसको क्या इंटरेस्टिंग थिंग है, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्लियर, और यहां पे बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं जरा, देखो देखिए अब मैंने कुछ बोला था ना, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट माइक्रो कोर्सेज। चलिए तो हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज सीसेट की, ठीक है। देखिए ऑल सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज छोटे कोर्सेज, यानी पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो करो। सबसे पहली बात, मेरा पहला पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस क्वेश्चन से ज्यादा मतलब जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या करना है आपको, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी पे आ जाओ, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड पेपर 35 से 40 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट भी ये हुआ पार्ट, क्लियर। नंबर सिस्टम उठा दो, आई का बटन दबाओ, क्या दिख रहा है आपको, ये आ गया आपके ईयर प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन। जैसे मैं ये ईयर की बात करूं और यहां पे क्या बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्लियर। अगर मैं 2023 की बात करूं 17 क्वेश्चन, 22 की बात करूं 10 क्वेश्चन, 21 की बात करूं 9 क्वेश्चन, 20 की बात करूं 15 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में क्वेश्चन आ रहा है ना वो आपके नंबर सिस्टम है। कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर है जो परेशानी भी दे रहा है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी दे रहा है। अब परेशानी दे रहा है जब भी तो क्वेश्चन है, स्टूडेंट एग्जामिनर को पता है कि बच्चे नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ते नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये तो पता चल गया मेरे को कि हाँ मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीवियस ईयर कहां से मिलेंगे खासकर उसके सॉल्यूशंस, देन वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तीन क्वेश्चन क्या है, चलो ट्राई नाउ करके देखते क्या मिलता है मुझे। चलिए देखो सिविल सर्विसेज सीसेट, सबसे पहले नंबर ऑफ लेक्चर कितने, 11, ओहो 11 लेक्चर नंबर सिस्टम के ही है, बाकी तो कितने होंगे, बट ये सारे के सारे आपके पास क्या है, पहले 5 से 6 लेक्चर्स आपको दे रहे हैं थ्योरी, पहले 5 से 6 जो लेक्चर है ना स्टूडेंट वो मेरे को दे रहे हैं थ्योरी पार्ट, अगले 4 से 5 लेक्चर्स में है मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, मुझे थ्योरी मिल गई, मेरे को प्रैक्टिस भी मिल रही है उस थ्योरी से, क्लियर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल गया सारे के सारे, सारे के सारे मेरी थ्योरी कंप्लीट होगी, प्लस मेरे को क्या मिल गया प्रीवियस ईयर लेक्चर के या प्रीवियस ईयर पेपर्स के नंबर सिस्टम के सोल्यूशन, तो मेरी पहले 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये वेब नोट्स क्या है सर, वेब नोट्स क्या है बताओ थोड़ा, वेब नोट्स में क्या होगा आपका, थ्योरी पार्ट होगा सारा, कुछ वन लाइनर हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जो चैप्टर को समझने में मदद करें। अब लास्ट मेरा पॉइंट क्या था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पीवीआरक्यू, ये 440 क्वेश्चन में क्या है आपके पास प्रीवियस ईयर में प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो चारों के चारों पॉइंट जो एक चैप्टर को करने के लिए चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी यहां पे, सिर्फ कितने रुपए में, 365 दिन के लिए सिर्फ 355 रुपए में, यानी एक दिन में 1 रुपए से भी कम। ये 11 लेक्चर देखने में कितना टाइम लगेगा आपको, 4 दिन मैक्सिमम, 5 दिन, 5 दिन में ऑलमोस्ट आपके 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, तो सोचिए जब आप कर लोगे तो कितना अच्छा आपको लेवल मिलेगा, क्लियर। टेस्ट सीरीज भी लगाने के लिए 100 चीजें करनी है, कैसे करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेकंड जो टॉपिक बना हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है क्वांट का, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 23 में 7 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन, 21 में 3, 20 में 2, ऐसे क्वेश्चंस आपके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे, वेब नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले। नेक्स्ट है मेरे पास इसी तरीके से पूरा मेरे को मॉड्यूल मिल रहा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी का, क्लियर। जैसे रैंक पजल हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्यूब एंड डाइस, आप आई बटन पर क्लिक करके देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कर लो, कल को अगर दिल करे कि पूरा खरीदना है तो पूरा ले लो, जो आपका ऑलरेडी खरीद रखा है उसका पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, देखो क्या मेरे पास 358 रुपए में 6 लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 1000 ग्राउंड क्वेश्चन हैं, क्लियर। पैराग्राफ समझने के लिए आपको पैराग्राफ समझ आना चाहिए, जब भी तो आंसर करेंगे, एंटोनिम्स सुनने वहां पर भी मदद करेंगे, और ये कितने में सिर्फ और सिर्फ 423 रुपीज में, क्लियर। यहां पे देखो जरा, यहां पे 10 जिसका मोबाइल नंबर डालो, कोई इंक्वायरी हो या तो जो मैंने नंबर बता रखा है 951777, क्लियर, मैं भी नंबर ही बता देता हूं आपको, उस पर कॉल कर सकते हैं या अपने आपको यहां पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री होम ऑफ कोर्स देख सकते हैं आप, ठीक है। बाद में देखो सारा कुछ, सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं, देखिए तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्लियर। ये वो सिलेक्शन थी हमारी 22-23 की जिन्होंने सीसेट को बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं गई, क्वालिफिकेशन तो थोड़ी आगे थे कि सर वो डर नहीं चाहिए, वो जो लाखों बच्चों में डर है ना कि क्या सीसेट क्वालिफाई होगा, नहीं वो डर नहीं चाहिए, हम उससे आगे निकलना है, तो 90-100 नंबर थे मिनिमम, इतना था सबका।
स्पर्श की बात करूं 51, अर्णव की बात करूं 56, जतिन का 90, मंदीप 105, 68, 138, अमीर 154, क्लियर। तो ये बच्चे थे, और ये मैं नहीं कह रहा कि 25 साल से हम नंबर वन है, ये इन बच्चों के शब्द कह रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर झूठ नहीं लिखेगा, उसने लिखा है भैया आई एम थैंकफुल अलॉट द एंटायर टीम ऑफ यूमनी फॉर प्लेइंग अ रोल इन 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे सारे माइक्रो कोर्सेज नंबर सिस्टम या अदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही ज्वाइन कीजिए और सीसैट का डर निकाल बगाइए। थैंक यू।